बॉलीवुड में इस साल कई बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की है, लेकिन जिस फिल्म की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है वॉर। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी और ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। फिल्म जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इतना ही नहीं, अब तक वॉर कई बड़ी फिल्मों को भी मात दे चुकी है, जिनमें सलमान खान की फिल्म भारत से लेकर अक्षय कुमार की मिशन मंगल जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। वहीं जहां एक तरफ ये फिल्म बॉलीवुड में कई फिल्मों को धूल की तरह उड़ा चुकी है, वहीं फिल्म ने हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम को भी बड़ा झटका दिया है। दरअसल वॉर ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 166.25 करोड़ रुपए की कमाई की है और साल 2019 के सभी बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले हैं। और अब ये फिल्म साल 2019 की सबसे बड़ी फर्स्ट वीकेंड ग्रॉसर भी बन गई है। बता दें कि वॉर से पहले ये रिकॉर्ड हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के नाम था, लेकिन अब इसे भी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने अपने नाम कर हॉलीवुड को मात दे डाली है। बता दें कि एवेंजर्स एंड गेम ने अपने वीकेंड पर 157.20 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो वॉर एवेंजर्स एंड गेम से भी आगे निकल गई है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का एक्शन किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। मेकर्स ने वॉर के एक्शन सीन्स पर काफी काम किया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के एक्शन सीन्स को शूट कराने के लिए 4 हॉलीवुड डायरेक्टर्स की मदद ली गई थी। यही वजह है कि फिल्म में दर्शकों को हायर लेवल वाला एक्शन देखने को मिला। ऊपर से फिल्म में ऋतिक और टाइगर की जुगलबंदी ने तो दर्शकों का दिल ही जीत लिया। फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वॉर आने वाले दिनों में और भी कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली है। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और टाइगर, रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं लोग दूसरे की तोड़ते हैं, कुछ रिकॉर्ड खुद की भी तोड़ते हैं। तो रिसेंटली आपने बागी 2 का बिगेस्ट ओपनिंग आप वॉर से देखे, आपने बागी 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, खुद का रिकॉर्ड, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत मतलब ऑब्वियसली खुशी की बात है, और ख़ासकर क्योंकि ये कुछ आई थिंक इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, यू नो सच अ बिग ओपनिंग। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट रिकॉर्ड। और जैसे मैं कह रहा था सर, हम लोग यू नो उम्मीदें दिमाग में नहीं रख रहे थे हम लोग, बस हर शॉट। मेरे लिए खासकर चैलेंज ये था कि मेरे सामने ऋतिक रोशन खड़े हैं, तो मुझे अपना बेस्ट देना था हर शॉट, और उनको यू नो टक्कर नहीं कहूँगा पर ये कहूँगा कि मुझे बस अपना बेस्ट देना था उनके सामने, और उनको सही से मतलब क्यूज रिएक्शंस देने थे, बस उससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी। या ऋतिक टाइगर सिद्धार्थ एंड वाणी, सी देयरफॉर यस्टरडे आई सॉ द फिल्म। The moment I was into the screening started here as such, to war film dekh raha tha, then I was at war with myself, ke whom to watch, Ritik or Tiger. Aapke jo that motorbike sequences, especially those sequences in the end in the car at the Arctic Ocean, wherever you shot that film, it was mind-boggling. Aur ye mujhe lagta hai ke sabhi audience ke saath mein ye silsila rehne wala hai. To how was the experience working neck to neck with each other, with such talent of each of you here as such? Well, it was great, yeah. I think if you don't enjoy what you're doing, it is impossible to get the results that you're talking about. So, mere liye it has been, log kehte hain ke, you know, student, mentor, on set, ulta tha. Main seekh raha tha, kyunki I was constantly watching the discipline that he has, the process that he applies, the honesty, the integrity, and no egos. Aur कौन सीख रहा था, कौन सिखा रहा था, किसी को नहीं पता। कौन टीचर था, कौन स्टूडेंट था, किसी को नहीं पता। टाइगर, अबाउट यू? आई थिंक मेरे लिए जब भी हम एक्शन करते थे, यू नो वी टू ऑलवेज टेल ईच अदर कि यार सर, यू नो वे हम दोनों डांस पार्टनर्स जैसे हैं, क्योंकि हम जब भी एक्शन करते थे, कॉम्बैट करते थे, इट यूज टू फ्लो सो वेल एंड वी टू हैव ईच अदर्स रिदम एंड हैव ईच अदर्स बैक्स। So it was like we were basically doing like a partner dance. So I think Siddharth sir भी agree करेंगे कि हम लोग मुश्किल से दो-दो takes में खत्म करते थे। Siddharth, how was it experiencing these two giants in front of you? How was the experience as far as you are concerned directing?
मेरे लिए आई थिंक दे वर जस्ट खालिद एंड कबीर. आई थिंक अगर ये आई वुड लुक एट देम एज ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ इट वुड बी ओवरवेलमिंग. बट एज अ डायरेक्टर यू हैव टू लुक एट देम एज योर कैरेक्टर्स. आई थिंक दैट वॉज की दैट यू डोंट गेट ओवरऑड. सिद्धार्थ आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज नेशन. यहाँ जैसे कि मैंने आपका आपके साथ इंटरव्यू किया था, आपने कहा मैं बहुत जिद्दी हूँ और कभी कभी न्यूयॉर्क भी पूरा अपने गाने के लिए खाली करवा देता हूँ. तो इस फिल्म में क्या जिद्दीपना आपका दिखाई दिया और क्या ये इन लोगों ने उस जिद्दीपन का साथ दिया सभी ने? आई थिंक जिद्दी से मैं पागलपन पे उतर आया. आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट आई वांटेड देम ऑल थ्री ऑफ देम इन फैक्ट फॉर दिस फिल्म स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. और फिर एक्शन को एक नॉच हायर ले जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चेज बहुत फिल्मों में देखते हैं, कार चेज बहुत फिल्मों में देखते हैं, यहाँ पर आपने प्लेन चेज देखा है. और अगर कार चेज देखा है उसको आर्कटिक में देखा है, आइस पर देखा है. बाइक चेज एट द हाइस्ट पॉइंट इन पोर्चुगल और हाई स्पीड बाइक चेज ऑन अ माउंटेन, दैट्स वाई आई थिंक वो रिएक्शन मिलता है थिएटर में. आई थिंक एवरीबडी इज ऑन द एज ऑफ द सीट बिकॉज द कर्व्स आर सो डेंजरस, वेरी रिस्की. तो आइडिया था वेदर इट्स इवन टाइगर्स वन शॉट एक्शन इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग वॉज टू पुश देम, पुश द टीम, पुश द प्रोडक्शन, पुश द लोकल लाइन प्रोडक्शन कि मुझे ये चाहिए और ये करना है. आई थिंक तभी जाके आई थिंक ऐसा एक स्पेक्टिकल बन पाया है जिद से. ऋतिक हाय. वानी एक आपसे भी सवाल था कि कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो सबसे यादगार आपके लिए रहा हो फिल्म के दौरान, जिसे आप याद करती हो अभी? आई थिंक द इंटायर पूरा टाइम जितनी भी जितना एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने काम किया इस फिल्म में, मुझे लगता है एवरी सीन, एवरी बिहाइंड द सीन, यू नो द वी शॉट और एवरी सिंगल डे फॉर मी काउंट्स. क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और मुझे भी आई थिंक एक नया कैरेक्टर प्ले करने को मिला. सिद्धार्थ एनशोर्ड कि यू नो ही प्रेजेंट्स मी इन अ वे जो जैसे मैं पहले नहीं प्रेजेंट हुई. एंड द फैक्ट दैट आई वाज वर्किंग विद ऋतिक आई थिंक इट वाज फिनोमिनल. ही इज सुपर काइंड एंड ही इज सुपर सुपर स्वीट, यू नो हाउ ही इज. ऋतिक ऋतिक हाय ऋतिक. Hi Ritik, this is Ravi from ABP News. Okay, yes, okay. Please, thanks. Ritik, hi. Yes, hi. You have done quite a few action entertainers in the past. Really? Where? Yeah. Hardly get to do. I'm in so many courses. This is my favorite kind of film. I don't get it. Of course, you're very... Sun rahe ho? Hello? But of course, you're a very versatile actor. I mean, besides action entertainers. But if you look at war, I mean, you think the portrayal by far has been the best of yours in an action film, and the bar is really raised now. Okay, without taking credit to myself for this, because I give that to my director always, whether I'm good or bad. So the credit of this goes to Sid, but I do agree with you. I feel that what Sid has been able to do and bring out of me through Kabir has been definitely one of my most aspirational, the most satisfying experiences of my life. That's for sure. Yes. That's true. Thank you. Yes, sir. You had a question? Hi, Ritik. This is Ravi from ABP News. Ritik, back to back, आपकी दो फिल्में सुपर हिट हुई हैं. आप बहुत चूजी माने जाते हैं फिल्मों के मामले में. कभी कभी एक साल में एक फिल्म आती, कभी दो साल में एक फिल्म आती रही हैं पिछले कई सालों से. अब क्या इन दो फिल्मों के हिट होने के बाद वो बदलेगा, वो चलन बदलेगा? आप ज़्यादा फिल्में करेंगे या उसी तरह आप ज़्यादा चूजी होकर ही फिल्में करेंगे? ये एक कोइंसिडेंस था कि बैक टू बैक 3 महीने में दो फिल्में आ गई. अब मैं क्या बोलूँ? अब शायद वक्त आ गया है फॉर मी टू बी एट माई इवन बेटर एंड बेस्ट व्हेन आई एम मेकिंग एनी decisions in my life. I am feeling very encouraged, very motivated. So I think I will choose even better films, even better. Lekin usme how much time it takes and all that is not really in my hands. But I promise my best work is yet to come. Whoa! Love it. Hi Siddharth. One more question to Tiger. Hi Siddharth. Just a second. Ek second. Ma'am, please just give us a second. रवि जी, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. टाइगर, वन क्वेश्चन टू यू. एक्शन आपका फोर्टे माना जाता है. एक्शन में आप लाजवाब हैं
और एक कंफर्ट जोन भी बन गया है कि हर फिल्म में एक अलग तरह का एक्शन आपका देखने को मिलता है, क्या आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बाकी तरह के रोल्स भी ट्राई करना चाहेंगे या आपके जहन में अब वो प्ले करने लगा है क्योंकि लगभग 5 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए? आई थिंक वॉर में जिस तरह मैंने एक एक कोशिश की मैंने एक अलग किरदार निभाने के लिए, आई थिंक दिस वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल फॉर मी. एक्शन की बात करें तो आई इन्जॉय दिस जॉनरा वेरी मच और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी थोड़ा अचीव किया है उस करियर में, तो आई थिंक आई क्रेडिट टू माई द फिल्म दैट आई हैव डन एंड प्राइमरली बींग एक्शन फिल्म ऑफ कोर्स. मेरे जितने भी इंस्पिरेशंस रहे हैं जैकी चैन से लेकर ऋतिक रोशन तक, सारे बड़े बड़े एक्शन हीरोज़ हैं, तो आई एम इंस्पायर्ड टू बी लाइक देम, इंस्पायर्ड टू डू थिंग्स लाइक देम. एंड खासकर इस इंडस्ट्री में जहाँ इतना कॉम्पिटिशन है, माई पियर्स आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क, हाउ डज वन स्टैंड आउट, हाउ डज वन क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर हिमसेल्फ? तो बस एक पहचान क्रिएट करना है मुझे खुद को, खुद के लिए, और जस्ट टू बी आइडेंटिफाइड बाय यू सेइंग दैट आई एम एन एक्शन हीरो, फॉर मी दैट्स मोर देन एनफ रियली. सो या.